शनिवार को दिल्ली की 3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित के निधन के बाद रविवार को दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, विधायक और वरिष्ठ संघ सहयोगी मांगेराम गर्ग का निधन हो गया। वे बीमार थे और उत्तरी दिल्ली के एक्सन बालाजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। रविवार की सुबह 7:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पर रखा गया है। यहाँ 11:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। इसके बाद 12 से 1 बजे तक दिल्ली स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। मांगेराम गर्ग ने अपने शरीर को दान करने का संकल्प लिया था। भाजपा प्रदेश कार्यालय से उनका पार्थिव शरीर देह दान के लिए 1 बजे हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की चुनावी रणनीति बनाने व चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली भाजपा के नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। जिम्मेदारी पाने वाले नेताओं में मांगेराम गर्ग का नाम भी शामिल था। किसी समय हलवाई रहे मांगेराम ने 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार जीत दर्ज की थी और विधायक बने थे। लोकसभा चुनाव 2019 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को मजबूत करने के लिए मांगेराम गर्ग को अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उन्हें सामाजिक व स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करके उन पर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां व पार्टी की नीतियों को पहुंचाने के लिए बनाई गई समिति में शामिल किया गया था। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।